सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज की जो प्रेस वार्ता हमने एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दार्जिलिंग जिला का हमने बुलाया है, आज का मेन जो हमारा जो ये कार्यक्रम जो हमने रखा है कि नगर पालिका इलेक्शन जो दार्जिलिंग का होने जा रहा है, इस इलेक्शन में, इस महापर्व में एनसीपी भी पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि अब तक आप लोगों ने भी एहसास किया होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोगों ने सेकुलर मिजाज के नाम पे या सेकुलर पार्टी के नाम पे हम लोगों ने जो है अपनी सीटों की कुर्बानी दी है। जिस तरह सिलीगुड़ी में भी हम लोगों ने जो है टीएमसी को समर्थन देने का हमने काम किया, तो हमारे पार्टी में जो है काफ़ी मंथन करने के बाद हम लोगों ने जो है वो डिसीजन लिया है, हम लोगों का फैसला हुआ है कि नगर पालिका इलेक्शन में एनसीपी भी कॉन्टेस्ट करेगी। और एक खुला ऑफर भी हमारी पार्टी ने दिया है जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह गोजबमो के सुप्रीमो हैं बिमल गुरुंग, उनसे भी हमारी पार्टी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, चाहे वो 2017 का आंदोलन रहा हो या कोई भी जो जनहित में जो फैसला लेने का काम वो क्या करते थे। और जो अभी भी बहुत सारी पार्टियां आई हैं जो एक यंगस्टर के रूप में, वो एक शायद हम लोग पार्टी है या कौन सा कोई पार्टी है, अजय भाई का, अनित थापा जी भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक जमात बना करके हम लोग जो है इस महापर्व में हम लोग उतरना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नेशनल स्तर पे या राज्य स्तर पे जो इश्यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप को ग्रोथिंग और अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि वर्कर जो हमारे एनसीपी के हैं पहाड़ पे कहीं ना कहीं हमारे हैं, और उनको भी एक उम्मीद रहती है कि हमारी पार्टी भी जो है नगर पालिका इलेक्शन लड़ेगी तो हमें शायद मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ के पहाड़वासियों को, आम मतदाताओं से हमारा अपील है कि ये जो नगर पालिका इलेक्शन जो अभी होने जा रहा है, अब घोषणा भी जो है जल्द ही हो जाएगा, तो और बहुत सारी पार्टियां जो है तैयारी भी कर रही है, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हम लोग भी एनसीपी के जो भी हमारे लोग हैं, हम जो हमारे नेता हैं, हम लोग भी जाकर के वार्ड में जो है लोगों से जाकर के हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो जिला प्रशासन है, यहाँ के आरक्षी अधीक्षक है, उनसे हमारा अनुरोध है कि ये जो इलेक्शन होगा ये काफी टसन भरा इलेक्शन होगा। हर किसी का अपना अपना मुद्दा होता है, अपने अपने इश्यूज पे वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, किसी से गठबंधन होगा, किसी से गठबंधन नहीं होगा, कोई स्वतंत्र उतरेगा तो कोई निर्दलीय कॉन्टेस्ट करेगा। हमारा यहाँ के एसपी, जिला प्रशासन, डीएम से हमारा अनुरोध है कि जिस पार्टी के भी उम्मीदवार हो या जिस पार्टी के भी लीडर हो, उनको सुरक्षा जो है कम से कम बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सत्ताधारी हैं, जो हमारे टीएमसी समर्थक या टीएमसी समर्थक, तो हम लोग भी हैं, एनसीपी वाले भी हम लोग एलआई, हम लोग दीदी मुख्यमंत्री के साथ ही हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक कोई भी सुरक्षा मांगने का काम नहीं किया है। लेकिन आज जिस तरह पहाड़ पे जिस तरह का जो माहौल है, इलेक्शन का माहौल हो रहा है, और हर तरह के लोग, हर मानसिकता के लोग रहते हैं, शायद एनसीपी उनको पसंद ना हो सकता है, दूसरी पार्टी का आइडियोलॉजी उनको पसंद नहीं हो, तो इसलिए हमने आज जो डीएम ऑफिस में माइनॉरिटी हॉल में जो आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग और जो भी हमारे पदाधिकारी लोग ने ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई यहाँ दार्जिलिंग में आज, तो हमने भी काफी जो है अपने जो हमारे मुद्दे थे हमने जो है वो रखने का हमने काम किया है। और जो प्रेस वार्ता हमने बनाया, जो हम यहाँ पे हमने आमंत्रित किया आप सभी को, तो देखिए, स्थानीय स्तर पे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी खतरनाक पार्टी को, जो कॉमनल पार्टी है, जो देश को और इस पहाड़ को, जब भी राजोविष्ट हो या जो भी भाजपाई लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं तो वो कहते हैं भैया गोरखालैंड मिल रहा है, कभी कोई कहता है यूटी मिलने जा रहा है, तो यहाँ की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। अब यहाँ की जनता को एहसास हो गया है कि हमें गोरखालैंड नहीं, हमें सम्मान चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए, हमारी एक पहचान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जो स्टूडेंट है उनको छात्रवृत्ति चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। तो हम लोगों के पास काफी मुद्दे हैं। और जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने विकास की गंगा यहां बहाई है पहाड़ पे, उसका मैं स्वागत करता हूं। और टीएमसी हिल्स के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा एमपी हैं शांता छेत्री जी, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि जो हम जैसे सेकुलर लोग हैं, हम लोग को एक साथ बैठ करके कम से कम जो है एक प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह भाजपा को या यहाँ के जो सांसद हैं वो जाकर के किस तरह अपने उम्मीदवार को तैयार करना चाहते हैं या किस तरह वो लीडिंग लेना चाहते हैं, तो उस लीडिंग को रोकना है। दीदी ने भी कहा था कि स्थानीय स्तर पर हम लोग जो है आपको मदद हम लोग करेंगे, राष्ट्र या नेशनल जो जो स्टेट लेवल की बात होती थी उसमें जो है वो एक दूसरे को कॉपरेट की बात कही थी जब वो आई थी हिस दौरे पे, तो वो मैं टीएमसी को भी मैं जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एनसीपी आकर्षित करना चाहती है कि ये जो समय है हम लोगों को एक एकजुटता के साथ
किसी हमारे दोस्त ने, किसी पार्टी के वो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से है। तो मैं ये भी पता देना चाहता हूं कि हिल्स पे जो हिल्स टीएमसी है वो भी तो उसी का पार्ट है, वही विंग है। तो ये मतभेद नहीं होनी चाहिए, इसका मैं खंडन करता हूं। और टीएमसी के जो लोग यहां पे हैं, हमारा जो सुझाव होगा उनसे कि जितने भी हम लोग सेकुलर ताकत है, सेकुलर पार्टी जो मिजाज है, हम लोग जो देश को, इस पहाड़ को बनाना चाहते हैं, यहाँ के जो विकास चाहते हैं, हम लोग एजुकेशन चाहते हैं, हम लोग एक साथ मिल बैठ करके जो है एक नई रणनीति के साथ हम लोग जो है नगर पालिका इलेक्शन की हम लोग तैयारी करेंगे। और आने वाला जो भविष्य होगा वो बाहर की जो पहाड़ के लिए है वो काफी सुंदर और बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन एलायंस होगा या आप लोग इंडिपेंडेंट देंगे कैंडिडेट? देखिए, हमने कहा जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग एलायंस करने का भी हम लोग काम करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी दोस्ताना संघर्ष करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि एनसीपी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। आपने देखा होगा कि हम यहां विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ते, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ते, इसलिए नहीं लड़ते कि भाजपा को रोकने का हम लोग काम करते हैं, ममता बनर्जी जी के हाथों को मजबूत करने का काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए जहां पे जैसा माहौल होगा उस तरह का हम लोग जो है जो मंथन हमारा पार्टी का चल रहा है उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि हिल टीएमसी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक ही है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर मनभेद हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह यहां पार्लियामेंट इलेक्शन राजू बिश जीत के चला गया, फिर जो है नगर पालिका में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग, ये समय है एक साथ होकर के, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके हम लोग जो है नई रणनीति के साथ और पहाड़ का विकास जो है हम लोग करेंगे। आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, क्यों लगता है आपको पहाड़ में ये ऐसा? देखिए, हमने कहा ना, अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो हमने इसमें सेफ्टी सुरक्षा, और हमने अपने लिए ही सुरक्षा नहीं मांगी है। उस बैठक में जितने भी पार्टी के जो लीडर्स थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, हमें हर किसी की चिंता है। क्योंकि अगर जनसंपर्क कहीं पे हो रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे जो है मुताबिक वो लोग ना हो, या जो कुछ दहशत गर्द हैं जो कुछ ऐसा कुछ करना चाहेंगे, या कुछ उनको पसंद नहीं आए हमारी रणनीति, या आइडियोलॉजी हमारी पसंद नहीं आती हो, या जैसे भाजपा ही है, भाजपा के लोग भी यहाँ कुछ करके वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने मांग किया, आज यहाँ जो मीटिंग हुई ऑल पार्टी मीटिंग, हमने डिमांड किया है कि जो जिस पार्टी के भी लीडर हो, जिन पे पार्टी फोकस करती है, जिनके वजह से जो है अच्छे वोट आ सकते हैं या एक अच्छा समीकरण उभर सकता है, तो वैसे लीडरों को, इसमें एनसीपी भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल हूं, यहाँ की सरकार, यहाँ के जो जिला शासक हैं, प्रशासन है, यहाँ के एसपी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि ऐसे लीडरों को सुरक्षा देने का काम करें। क्या क्या कौन कर सकता है ऐसा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स है, और जो नगर पालिका इलेक्शन जो अभी जो होगा तो उसमें टसन का एक माहौल होगा। हर किसी का एक अपना अपना एक आइडियोलॉजी और मुद्दा होता है, हर किसी का पार्टी का जो है अपने अपने विचारधारा है। हो सकता है कि हमारे जो हमारा विचारधारा, हमारी पार्टी का विचारधारा है वो भाजपा को पसंद नहीं आए। हो सकता है कि जो सुभाष घिसिंग जी की जो पार्टी है उनको हमारा विचारधारा पसंद नहीं आएगा। तो जो भाजपा नीत जो गठबंधन यहां पे है, जो पहाड़ वासियों को दिखाते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन हितैषी कौन है ये मैं बता देना चाहता हूं। आप सब भी जानते हैं, यहां की आवाम जानती है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से एसएस अहलवालिया पार्लियामेंट हुआ करते थे, यहां एमपी हुआ करते थे, जिस तरह का आंदोलन हुआ अपनी अस्मिता को लेकर, या जो भी स्थान उस टाइम जो इश्यू था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, तो उस टाइम एनसीपी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने पहाड़ वासियों को सम्मान देने का काम किया, उसके वॉइस को पार्लियामेंट राज्यसभा में, हमारे माजिद मेमन उस समय तत्कालीन राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने वॉइस जो उठाया था हमारे गोरखा वासियों के लिए, ये यहाँ की समस्याओं को लेकर के। तो बीमल गुरुंग से हमारा रिश्ता काफी पुराना है, ये सरकार भी जानती है, सारे लोग जानते हैं। तो मैं बीमल गुरुंग जी से भी आह्वान करता हूं कि आप एक पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब आपको सोचना होगा कि या आप खुद जो है अपने लिए सोचते हो, या जो आपके पुराने हितैषी लोग हैं, जो आपको चाहने वाले जो पार्टी है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो आपके साथ कदम मिला करके जो चलने का काम करते हैं, और समय आने पे आपके लिए समय उठाने का जो आपका जो है, अगर कोई संकट में आप रहते हो तो आपको जो है बचाव की स्थिति में एनसीपी ही आती है। तो आपको यह सोचना है, रोशन गिरी को भी यह सोचना पड़ेगा कि नगर पालिका इलेक्शन जो होने वाले होंगे, अभी जो होंगे, उसमें आपका क्या कदम होगा, और एनसीपी आपके इस कदम का, इस मंथन पे विचार भी करेगी, और हम चाहेंगे एक साथ हम लोग चलें। अगर हम लोग नहीं, बात अगर हमारी नहीं बन सकी तो हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग
जो है इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे, लेकिन क्या खामियाजा होगा अगर आपस में सेकुलर लोक पार्टी अगर लड़ेगी तो देखिए भाजपा एक तरफा अपना जो है बढ़त लेगी और वो फिर से जो है कुछ जैसे एमपी में इलेक्शन में जीते हैं तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप लोग का प्रमुख मुद्दा भाजपा को हराना है इंदर सिंह से, क्या यही आप लोग का? देखिए भाजपा को हराने का तो पूरे देश में जो है एक हम लोग का जो प्लान चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में आप जाके देख सकते हो, वहां के मंत्री हो या 11-12 एमएलए जो है वो टूट टूट के चले गए दूसरी जगह। जब भाजपा के जो समर्पित लोग हैं उनको ही सम्मान नहीं मिल रहा है, 10-10 करोड़ रुपए में जो है एमएलए का सीट जो है बिक रहा है, तो आप समझ सकते हो कि भाजपाई को भी भाजपा में रहकर घुटन सा होने लगा है। नीरज जिम्बा हमारे पुराने साथी हैं, 2017 में जब आंदोलन हुआ था तो सर्वदलीय बैठक में हम लोग एक साथ रहा करते थे, आज वो एमएलए है। लेकिन ये कौन सी विचारधारा है कि वो गोरामोमो के महासचिव जनरल सेक्रेटरी कहलाते हैं और भाजपा के एमएलए कहलाते हैं? ये उनके पार्टी में क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका जो है बैलोज कहता है, ये एक जो है हास्यपत बातें हैं। हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया है, लेकिन देखिए जो भी हो हम लोग पहाड़ पे ममता दीदी के नेतृत्व में हम लोग पहाड़ का विकास करना चाहते हैं और इस विकास जिस तरह जो आगे बढ़ता जा रहा है हम लोग दीदी के साथ हैं। और दीदी के मिजाज को एनसीपी ही समझ सकती है, ये पूरा देश नहीं पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड जानता है कि जब भी दीदी को सलाह लेने की जरूरत पड़ती तो हमारे पार्टी के जो मुखिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब से वो बॉम्बे हाल में गई थी जाकर के वहां रणनीति देश स्तर पर उन्होंने बनाया था। तो हम लोग जो उस तरह का ही हम लोग जो यहां समीकरण बनाना चाहते हैं।